हाउ आर यू? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स एंड पेज नंबर 9। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंटेंस टाइम्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने हार्ट, लंग्स और इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे अपने मतलब जो भी हमारा सिस्टम है इंटेस्टाइन का, उसके बारे में पढ़ेंगे। योर इंटेस्टाइन्स आर पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट है। दे हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड यू ईट एंड गेट रिड ऑफ फूड डैट योर बॉडी डज नॉट नीड। अब जो भी चीज़ हम खाते हैं उसको हम हमारी बॉडी से वो जो भी मतलब डाइजेस्ट होती है और फिर वो वेस्ट हो जाती है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें दो मतलब उन्होंने बताई हैं। देर आर टू इंटेस्टाइन, वन इज़ नोन एज द लार्ज इंटेस्टाइन एंड अदर इज एज द स्मॉल इंटेस्टाइन। द इंटेस्टाइन आर लाइक ट्यूब। ये आप देख रहे हैं कि ये ट्यूब की तरह होती है। ऑफ कोर्स एंड दे आर कॉइल अप टू फिट इन साइड योर बॉडी। और ये आपकी बॉडी के अंदर फिट होती है। वन ऑफ द इंटेस्टाइन कैन बी 6 मीटर लॉन्ग इन एन अडल्ट। अडल्ट में क्या है कि ये 6 मीटर लॉन्ग होती है। द अदर वन इज़ अबाउट 1 मीटर लॉन्ग। कैन यू गेस विच वन इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन? द 6 मीटर लॉन्ग वन और द 1 मीटर लॉन्ग वन। सी द आंसर ऑन द नेक्स्ट पेज। अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। आप लोग पेज नंबर, योर इंटेस्टाइन्स आल्सो नोन एज योर बाउंड्स, पेज नंबर 10 ओपन करें आप। पेज नंबर 10 पे आप देख रहे हैं द ह्यूमन इंटेस्टाइन। यहाँ पे आपको एक पिक्चर भी नज़र आ रही है कि द इंटेस्टाइन टेक फूड फ्रॉम योर मतलब जो हमारा स्टमक है एंड ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर फूड ऑफ योर ऑन्स वेयर इट लीव योर बॉडी। एज द फूड ट्रेवल अलॉन्ग द इंटेस्टाइन इट इज़ ब्रोकन डाउन सो दैट इट इज़ ईजी टू गेट रीड ऑफ। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें स्मॉल ऑन्स ये है जहाँ पे हमारी बॉडी का जितना भी वेस्ट मटीरियल, जो भी मटीरियल है वो वेस्ट होता है। ये स्टॉमिक है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन आपको नज़र आ रही है, ऑन्स नज़र आ रही है और लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसमें देखें आंसर टाइम भी उन्होंने दिए हुए हैं, खुद ही आंसर दिए हुए हैं, आपने इनके क्वेश्चन बनाने हैं। अब यहाँ पे नोटबुक पे जो आंसर नोट करना है कि डिस्क्राइब योर इंटेस्टाइन एंड एक्सप्लेन द वर्क दैट दे डू। अब ये इसका आंसर उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है द इंटेस्टाइन दैट 6 मीटर लॉन्ग इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन, द इंटेस्टाइन दैट इज़ 1 मीटर लॉन्ग इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन। Why do you think this is so? It is because the large intestine is a lot wider rather than the small intestine. इसी questions के answer जो हैं वो आपके इसी book के साथ ही दिए हुए हैं। और एक ये question आपने अपनी उस पर notebook पर note करनी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि large जो है उसका size, ये large intestines ये बड़ी है rather than small intestine की। okay? और ये इसका काम क्या है कि हम बॉडी में जो भी फूड्स वगैरह खाते हैं उनको, यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि वो हमारे स्टमक में आते हैं और फिर इन सारे प्रोसेस से गुजर के यहाँ से वो मटेरियल वेस्ट हो गए। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये जितना भी हमने आज पढ़ा है ये अपने अपने इसको याद भी करना है, साथ साथ इन क्वेश्चन आंसर को याद भी करना है, क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम्स में। ओके, और अपनी नोटबुक पे आपने ये सारा नोट करना है कि क्या मतलब आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है कि इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा है, क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। ओके, और बाकी जो लास्ट लेक्चर्स हमने पढ़े हैं उसमें कोई प्रॉब्लम हो बच्चों को, लंग्स के बारे में पढ़ा है, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ा है, तो ये हमारे लास्ट लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट न्यू लेक्चर्स के साथ आपके कल न्यू लेक्चर के साथ अपना काम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।